गुड मॉर्निंग। और मैं रात को बिना मेकअप रिमूव करे ही सो गई थी। 2 बज गए थे सोते सोते, और इतनी नींद आ रही थी कि मैं ऐसे ही सो गई। और सुबह थोड़ा सा ऐसे फेस वॉश किया है, नाश्ता वास्ता बना लिया है। मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा ना कुछ काम कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह तो जल्दी बन गया, लंच वन सब ऑफिस चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी जो गोल्ड की ज्वेलरी है उन सबको अरेंज करके रखती हूँ। कहीं जब जाते हैं तो हबड़ दबड़ में कहीं से कुछ निकालो, कहीं से कुछ, तो सारी चीज़ें इतनी बिखर जाती है कि वो नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अरेंज करके मतलब रखती हूँ। और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ प्रॉपर। मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी देखूँगी, कभी शेयर करूँगी, बट अभी मैं दिखाती हूँ। देखो सारे डब्बे डुब्बे ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी मेरी शादी हाल फिलहाल में ही मतलब 2.5 साल हो गया, बट मुझे आज भी लगता है कि जैसे अभी अभी शादी है। तो अभी सारे ये बॉक्स वॉक्स सब ऐसे ही हैं, और मैं जा रही थी सब कुछ साफ सफाई करने, है ना। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मैं जो धनवी के पेंडेंट वगैरह है ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। और मेरे कुछ रिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, ये हमारे यहाँ बिहार की सबसे फेमस डिश है लिट्टी और आलू बैंगन का चोखा। तो मैं यहाँ पे लिट्टी बनाने के लिए मैंने सत्तू तैयार कर लिया है। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, अचार, और ये चने का सत्तू है, हरा धनिया और अजवाइन, नमक, तेल स्वाद अनुसार, ये सारी चीज़ें डाल के ये रेडी कर लिया है। हल्का सा पानी डाल के उसको, एंड यहाँ पर मैंने लिट्टी के लिए आटा गूंद लिया है। जो लिट्टी का आटा होता है ना, उसको थोड़ा सा टाइट गूंदा जाता है ताकि वो ऐसे भरते वक्त फूटे ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइट गूंद के रख लिया है। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। वैसे ज़्यादातर आलू का चोखा से हम लोग लिट्टी खाते हैं, बट मैं यहाँ पे बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो मैंने बैंगन को गैस पे पका लिया है, बैंगन और ये टमाटर है जो मैंने अच्छे से पका लिया है। और फिर उसके बाद मैंने प्याज कट करके रख लिया है, जो कि बैंगन के भरते में काम आएगा। एकदम बारीक बारीक प्याज मैंने कट किया है, और इसी प्याज में से मैंने बारीक जो कट किया था वो मैंने सत्तू में डाल दिया था। और उसके बाद अब बनाएंगे अच्छा है थोड़ा चटपटा इतना चटपटा नहीं, नहीं नमक मुझे थोड़ा कम लगेगा। हाँ नमक थोड़ा, लेकिन भैया लेकिन लिट्टी में काम आ जाएगा। नहीं उसमें भरा है ना। अच्छा तो और कम हो, थोड़ा कम डाल, थोड़ा सा डाल देती। ठीक है, ये यूट्यूबर का वो देखिए, ये देखिए यूट्यूबर, ये देखिए, ये देखिए यूट्यूबर, ये देखिए हागी है जो है, ये देखिए काम कर रहा है। तो ये मैंने भी सब फैलाया है, सब सही है। आप लोग कैसे रहते हो? लेकिन विकास, ये जब काम करते हैं ना तो ये सब फैलता है। मतलब काम अब ये फैला है, अभी जब ये बन सब जाएगा तो सब कुछ साफ सुथरा होगा। किसी किसी लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मैं तो सब मैं फैला के ही कर रहा हूं। तो उन लोगों अब मैं हम इसका बनाएंगे। YouTube पे देखा हुआ आज बैंगन का भरता, जो भरता है चोखा है, भरता चोखा दोनों। अच्छा, जो कि लहरा देगा, एकदम लहरा दे लहरा दे। वो आपका लहरा दिया है, कम करिए इसको, बंद करो इसको। क्या लहरा दिया है? अरे ये सो ये हमने गैस पे पका लिया है, अब हम इसको छीलेंगे। कौन सा भी? कोई बता। रात जैसी। मेरे को भी लगा कि कोई ढूंढ के लाया है। मेरे मुंह पे लगाया क्या जब ये कह रहे थे कि वो? हाँ। अच्छा इसका वो लग गया अलग है। तो कोई बात, पता कैसे चलेगा कि मैंने एक काम किया है? है ना, पता चलना चाहिए ना कि काम किया है। तो इसको बंद कर दूं? कैसे काम कर लिया? सो गाइज, मैंने यहाँ पे बैगन पकाने के बाद उसके ऊपर से छील लिया। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पानी में डाल देते हैं बैंगन को या किसी भी पके हो, तो उसमें जो ये स्वाद होता है ना पकाने वाला, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बारीक तरीके से, मतलब सफाई के साथ, ऐसे ही आपको इसके जो भी छिलके होते हैं उसको निकाल लेना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन रख लिया है, एंड इसमें तेल डाला है। तेल को बिल्कुल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली थी। और उसके बाद मैंने जो लहसुन और अदरक का मैंने अलग से बारीक बारीक पेस्ट बनाया था, उसको पीसा नहीं था, ऐसे जो खलनी होती है उसमें कूट लिया था, वो डाल दिया। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसा इतना भी ना हो कि जल जाए और जलने का टेस्ट आने लग जाए। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है।
और उसके बाद इसमें जो प्याज हमने कट किया था वो डाल लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने प्याज भी कट किया था। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, बट मैंने जो पकाया था वो मैंने अलग से बैंगन के साथ ही मैश कर लिया था। अगर आप चाहो तो, अगर टमाटर आपको वैसे पका हुआ नहीं चाहिए तो आप वैसे भी बारीक बारीक कट करके प्याज के साथ डाल के फ्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे गरम मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली है, और लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। एंड एक स्पेशल चीज़ मैंने इसमें डाली है, मैगी मसाला, जो कि मैगी के साथ जो मसाला आता है वो चीज़ मैंने इसमें डाली है, ताकि जो इसका टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट आए। और यहाँ पे मैंने ऐसे पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक आप ऐसे घुमाते रहो। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बैंगन और जो टमाटर को मैश करके रखा था वो डाल दिया है, और डाल के इसको अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि जो भी मसाले हैं सारे बैंगन में और नमक है वो सारे उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा नहीं आपको इसको फ्राई करना है, थोड़ा बहुत ही करना है, बट अच्छे से करना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकल गया है। एंड फाइनली जो मेरा बैंगन का भरता है वो रेडी हो गया है इस तरीके से, और लास्ट में मैंने हरा धनिया पत्ता डाल दिया है ऊपर से, ताकि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। एंड यहाँ पे मैंने गरम पानी पतीले में रख लिया था, और इसमें ये लिट्टी हम इस तरीके से बनाते हैं। रीज़न ये है कि ये ना बिल्कुल ऐसा बनता है ना कि घुला घुला सा, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं होता है, इसलिए हम पहले इसको उबाल के और फिर हल्का सा तेल में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पूड़ी भी बना रही थी, क्योंकि हमारे घर के कुछ मेम्बर लिट्टी नहीं खाते हैं तो वो पूड़ी से खा लेंगे, पूड़ी भरता और सेवैयाँ बने थे, बट कुछ मेम्बर हम सब ये लोग ये खाते हैं। एंड उसके बाद ये सब बन गया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो ये मेरे सारे बॉक्स हैं, हम सारी ज्वेलरी अपने घर पे नहीं रखते हैं, बट अभी मुझे ये सारी चीज़ें ठीक भी करनी थी, मैंने अभी हाल फिलहाल में पहना था सब कुछ, तो इसीलिए सारी चीज़ें ऐसे थी, सो मैंने ठीक कर लिया। एंड इसी में आपको लास्ट में पता चलेगा जो मेरा फेवरेट, मुझे जो दो डायमंड के जो मेरे पास ऐसे, मेरे पास बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपको मैं इसमें दिखाऊंगी। और ये सारे धनवी के पायल हैं, और भी थे जो मतलब मैंने इधर उधर रखे हुए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे, बट जितने ये मिले वो मैंने सोचा कि दिखाती हूँ। बहुत सारे पायल धनवी को मिले थे, धनवी के नामकरण से लेके अभी तक जो भी उसको देखता है, जो भी पहली बार मिलता है, सब पायल ही देते हैं। सो ये पायल, और ये जो साइड में आप बड़ी सी रिंग देख रहे हो ना, ये रिंग भी मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे शिवम के घर से मिली थी जब मैं शादी में गई थी ना, शिवम के भाई के, तो वहाँ से मिली थी। हमारे यहाँ पे ऐसा नेग होता है कि जब भाई की शादी हो तो ऐसा कुछ गोल्ड का नेग मिलता है, सो ये शिवम के घर से मिला था। और ये जो छोटी सी रिंग आप देख रहे हो, ये मेरी मम्मी ने धनवी के फर्स्ट बर्थडे पर देखा था, ये है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डायमंड पेंडेंट, और साथ में ईयर रिंग्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे कब दिया था, ये मुझे पापा जी जब रिटायर हुए थे तो पापा जी तरफ से ये गिफ्ट है। इसके साथ एक बहुत मोटी सी चेन भी है, बट वो अलग से रखा हुआ है। एंड ये ईयरिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है, ये डायमंड्स झुमका मुझे जो मेरी मामी जी है ना, उन्होंने दिया था मेरी इंगेजमेंट में, जब मतलब पहली बार मुझे ऐसे देखा था तब। और मुझे ये वाला लॉकेट बहुत पसंद है, ये लॉकेट शिवम ने दिया था धनवी को बर्थडे में दिया था, हाँ फर्स्ट बर्थडे में दिया था। ये मुझे लॉकेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है।